हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो वी आर बैक विद GS2 पेपर ऑफ UPSC 2020। UPSC 2020 का GS2 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पॉलिटी इन आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और जो हेल्थ एजुकेशन वाला पार्ट है वो सारा इंक्लूडेड रहता है। अगेन दिस पेपर प्रूव्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिंदू एडिटोरियल्स का इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस। उसने बहुत प्यारा मिक्स बनाया था, द मिक्स ऑफ सिलेबस प्लस करंट अफेयर्स बहुत प्यारा था। दोनों से ही क्वेश्चन थे, लेकिन इसके बाद फिर से इनएबिटेबल है आप लोगों के लिए। जो भी हम डिस्कस करते थे द हिंदू न्यूज़पेपर में, रोज हम डिस्कस करते हैं, वो सारी चीजें ऊपर नीचे कहीं ना कहीं ढंग से एग्जाम में पूछी गई थी। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। पहला सवाल जो है वो स्टैटिक सिलेबस से है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाम के टॉपिक से। क्वेश्चन है, देयर इज अ नीड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत जो व्यक्ति गिल्टी होता है करप्ट प्रैक्टिस का, उसको आरोपी ठहराने की प्रक्रिया में सरलीकरण की आवश्यकता है। अब देखो, एक्चुअली में अगर आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो उसका सेक्शन 8A जो है वो बताता है करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए उसकी प्रोसेस है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पहले एक बॉडी को स्पेसिफाई करेगा, फिर वो बॉडी सबमिट करेगी, फिर वो सबमिशन जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि उसको करप्ट ठहराना है कि नहीं, या फिर अगर ठहराना तो कितने पीरियड के लिए है, फिर उस पीरियड के अंदर भी अपील की प्रोसेस है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है इसमें कि जो करप्ट व्यक्ति होता है उसको काफी टाइम मिल जाता है, प्रोसेस में टाइम लग जाता है, एंड द पर्सन समटाइम्स कैन बी फाउंड गिल्टी, समटाइम्स ही इज नॉट फाउंड गिल्टी। तो इसकी प्रोसेस को इजी करना है। एक्चुअली आपको सेक्शन 8A के बारे में थोड़ा मेंशन करना चाहिए था, ये भी आ चुका है, करंट अफेयर्स का ही पार्ट था। अब दूसरा तो मैंने लगभग 10 से 20 बार बताया हुआ है, रिवीजन सीरीज में भी मैंने आपको बताया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उससे जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी सैलरी को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कर दिया है, उनका टर्म जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है जो इंडिपेंडेंस वाला एस्पेक्ट था इंफॉर्मेशन कमीशन का वो छीन लिया गया है बाय द गवर्नमेंट बाय दीज अमेंडमेंट्स, इसलिए वो बिल्कुल सही बात है ऐसा होकर। आगे अगर देखें तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया, साइट सम रीसेंट एग्जाम्पल्स टू वैलिडेट द आंसर। अब देखो यहाँ पे कोऑपरेशन की भी बात करनी है, कॉम्पिटिशन की भी बात करनी है, एंड कन्फ्रंटेशन की भी बात करनी है। तो कन्फ्रंटेशन भी हुआ, चाहे वो बिहार की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, तो कन्फ्रंटेशन फ्रंट में भी हमने देखा। दूसरा हमने देखा कोऑपरेशन फ्रंट में भी देखा, जैसे दो स्टेट्स मिलकर के MOU साइन कर रहे हैं, है ना, स्टेट्स मिलकर के इंटर स्टेट कुछ उसमें कर रहे हैं, जैसे कि अगर सपोज कि पहले इसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कुछ सालों पहले काफी अच्छा एक कोलैबोरेशन हुआ। इसके बाद अगर हम देखें कि कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है रहता है, चाहे वो इंडेक्सेस की हम बात करें, रिसेंट में जो इंडेक्सेस आने लगे हैं, चाहे जो आपका फाइनेंस कमीशन उसने कहा है मेरिट बेस्ड डिप्लॉय ऑफ मनी होगा, मतलब कि उसमें मेरिट भी देखा जाएगा, आउटकम्स भी देखा जाएगा। तो आउटकम बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वहां पर आपका कॉम्पिटिटिव फेडरेशन ही हमको देखने को मिला है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो टर्म है वो कोऑपरेशन से आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो की जाती है, है ना। फिर हमने देखा GST प्रणाली में कैसे एक तरीके से GST भी का इंप्लीमेंटेशन भी अपने आप में एक आपका कन्फ्रंटेशन ही करता है, क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि जिस स्टेट में जा रहा है वहां जाएगा, लेकिन अब वहां से भी थोड़ा उसमें चेंजेस आ गए। तो ये सारी चीजें आपको कोऑपरेशन कॉम्पिटिशन और कन्फ्रंटेशन के अगर आप एग्जाम्पल दे देते तो ये काफी अच्छा रहता ना। और थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। नाउ दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द पेपर, इट वाज एन अमेजिंग पेपर, अमेजिंग क्वेश्चन। अगर आपने इधर उधर का थोड़ा नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे कि इसमें जुडिशरी ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी ऑफ UK को मैच करना था, जैसे जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड UK सीम टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एज डाइवर्जिंग भी। अब आपको कन्वर्जेंस का भी एंड डाइवर्जेंस का भी दोनों का एग्जाम्पल देना था क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात अगर आप देखो कि जो आपका UK है वहाँ बहुत ज़्यादा आपका कन्वर्जेंस वाला पॉइंट अगर देखें तो वहाँ पे भी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अगर आप देखोगे वहाँ पे तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंडिया में भी आपका सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो ये आपको याद रखना है, वहाँ की थोड़ा नई जुडिशरी अगर आप देखो तो 2009 में ही वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो बनना है वो हुआ था।
इसके बाद एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस का पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू में। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा सुप्रीम है, जुडिशियल रिव्यू अपने सुप्रीमेसी पर है। यूके में इतना ज्यादा जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस नहीं होती। अगर आप देखा हो कि वहां पे जो क्वीन या पार्लियामेंट ने जो कह दिया उसको क्वैश करना सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना आसान नहीं कि प्राइमरी लेजिस्लेशन में जाकर के वो क्वैश कर दें। इसलिए जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस है वहां पर काफी डाइवर्जेंस है इंडिया एंड यूके में। और अगर आप वैसे स्ट्रक्चर देखोगे, वैसे अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करोगे, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट यूके में भी है, वो इंडिया में भी है। और यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट भी यूके में भी है और इंडिया में भी है। तो डाइवर्जेंस भी है, लेकिन वहीं पे कन्वर्जेंस भी है, वहीं पर डाइवर्जेंस भी है। दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अगला सवाल है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा? व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया? अब देखो यहाँ पर क्या था, बेसिकली अभी स्पीकर बहुत ज्यादा मुद्दे में भी था। मैंने आपको पहले बताया था कि स्पीकर क्या कर रहे हैं कि वो बिल को मनी बिल बना करके पास कर दे रहे हैं। अब वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर अगर कर दिया जाएगा, ये अगर सोचो अगर ला दिया जाए, तो वो व्यक्ति जो रहेगा वो अपने पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी से ओवर हो जाएगा। इंडिया में जो पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी अलग से स्पीकर के ऊपर डाल दी जाती है, उस कारण से क्या होता है कि इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रहता है और फिर वो अपनी पार्टी का फेवर करने लगता है। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर मेंशन करनी चाहिए थी। दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। अगला सवाल है, इन ऑर्डर टू इन्हांस द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर, डिस्कस। ऑब्वियसली बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको सोशल डेवलपमेंट इंप्रूव करना है तो जेरियाट्रिक्स यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनको, और जो आपका मैटरनल हेल्थ है उनके लिए आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैटरनल हेल्थ से बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, चाहे MMR ले लो, चाहे उसके बाद आप चाइल्ड रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो ले लो, है ना। तो ये सारी सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं मैटरनल हेल्थ से जुड़ी हुई है। और वैसे ही मेडिकल केयर जो बुजुर्गों की, जेरियाट्रिक्स जो है वो बुजुर्गों की जो सेवा, पैलिटेटिव केयर या आप ओल्ड एज जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो उससे जुड़ा हुआ है। तो सोशल डेवलपमेंट या सोशल इक्वालिटी के लिए कहना चाहिए ये पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप मैटरनल हेल्थ प्रोवाइड कर पा रहे हो तो वहाँ पे एक आप पूरे जेंडर को, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उससे बचा रहे हो कहीं ना कहीं, जो जेंडर के लिए एक जेंडर को एम्पावर कर रहे हो अगर आप MMR इन सबको कम कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो दैट वॉज द थिंग इन दिस क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन अगर देखें, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। नाउ दिस मिक्स ऑफ पॉलिटी एंड एथिक्स का पेपर, दोनों मिक्स कर दो, उसका एक है कि इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर एक इंस्टीट्यूशन की आप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आपकी सुधरेगी ही सुधरेगी। तो आपको सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स की जरूरत बतानी थी कि किस तरीके से आप सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स करो कि स्ट्रेंथन करे वो डेमोक्रेसी को, इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट्स को भी आपको लेना है। आठवां सवाल है, द गवर्नेंस द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, जो चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अब देखो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आप एक्सप्लेन कर देते, क्या कर देते कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है, AI है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, और ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट होगा, जो आपकी प्रोसेसेस हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्रोसेसेज हैं, जो आपके प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो इंप्रूव हो जाएगी। अब इसमें ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऑब्वियसली बात है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, ऐसे में जो फिजिकल ओवरसाइट है वो पॉसिबल नहीं रह जाएगा, और ऐसे में आपको फिर मॉनिटरिंग सर्वेलेंस से लेकर हर चीज में आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए जो आपका कहना चाहिए कि गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, ई गवर्नेंस वाला पार्ट स्पेसिफिकली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगला देखें, नाइन क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। बिल्कुल सही बात है, हमने ये सारी चीज़ें देखो करंट में डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि WHO ने अपना रोल सही से प्ले नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने इसको पहले पैंडेमिक भी घोषित नहीं किया था, पहले उन्होंने इसके पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं दी थी, अपने जो इनको डिस्कशन मीटिंग रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी थी पूरे कंट्रीज के मेंबर्स को लेकर के, है ना, और चाइना के में जो इनको प्रॉपर टेस्टिंग करनी चाहिए थी वो भी नहीं
नहीं की थी, इतना ज्यादा सीरियस इन्होंने नहीं लेकर के चले थे। लेकिन रोल बहुत क्रिटिकल है। रोल क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि अगर आप देखो तो अफ्रीकन नेशंस जो है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है WHO अपने आप में, और बहुत सारी कंट्रीज जहां पर कि एक ना केवल कोविड बल्कि कोविड से जुड़ी जो कोमॉर्बिडिटीज है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, वहां पर WHO को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना था। और क्रिटिकली एग्जामाइन करना है तो आपको दोनों चीजें बतानी, दोनों एस्पेक्ट बताने हैं। दसवां सवाल है, इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखना है इंडियन डायस्पोरा के, जो जो सक्सेसफुल लोग हैं जैसे आप अमेरिका में ही देख लो, कमला हैरिस जो है शी हैज वॉन द वाइस प्रेसिडेंसी, और कमला हैरिस जो है वो इंडियन अमेरिकन है, तो इस तरीके से उनका नाम लिख सकते हो। उसके अलावा राज अय्यर का नाम लिख सकते हो, राज अय्यर जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट अभी रिसेंटली क्रिएट हुई है अमेरिका में, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसमें राज अय्यर बने हैं, तो राज अय्यर का एग्जांपल आप डाल सकते हैं। दीज आर द थिंग्स। इसीलिए देखो लास्ट दिन तक आप न्यूज़पेपर पढ़ो, राज अय्यर वाली न्यूज़ 3 दिन पहले की है, अगर आप लास्ट दिन तक पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिलेगा ही मिलेगा। सेम आपको यूरोपियन कंट्रीज का भी एग्जांपल आप ब्रिटेन का दे सकते थे, ब्रिटेन में जैसे वो सिख उनको बने हैं, इन लोगों के एग्जांपल आप दे सकते हैं, बोरिस जॉनसन की जो कैबिनेट है उसमें रहे हैं, तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं। 11वां जो क्वेश्चन है वो है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, एल्यूसिडेट इन द परस्पेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट्स। तो यहाँ पे देखो फार्म एक्ट्स भी पूछ लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी पूछ लिया, और आपका एपिडेमिक डिसीज एक्ट भी पूछ लिया, और इसमें पूछ लिया कि क्या सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है, मतलब किस तरीके से आपको बताना है कि यूनियन सुप्रीम हो जाता है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है यूनियन सुप्रीम हो रहा है, फार्म एक्ट्स में तो मैंने खुद ही आपको समझाया हुआ था पूरा कि यहाँ पे पहले स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे लॉ पास करता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, तो अपने आप में देखो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, पहले जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ले रहा है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट में सारी चीज़ें जो स्टेट के हाथ में रहती है वो उनके हाथ से निकल करके सेंट्रल के कंट्रोल में चली आती है। सेम गोज विद द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑल्सो, द फंड्स एवरीथिंग गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। अगला जो सवाल था वो था, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटी एथिकल टू द डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज एनविसाज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई द फिलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फाइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ PILs पेइंग फॉर इशूइंग गाइडेंस टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। अब यहां पे जुडिशियल ओवररीच के बारे में बताना है आपको, जुडिशियल ओवररीच किस तरीके से आर्टिकल जो 141 है जहां पर जो डिक्री पास कर देता है, लॉ बना देता है, जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात चल रही है, मतलब कि जो लॉ बना देता है ना सुप्रीम कोर्ट कभी कभी कि यूजिंग देयर पावर टू लेजिस्लेट। अब जब क्या देखो, लेजिस्लेचर एक सेपरेट ऑर्गन है, जुडिशियरी एक सेपरेट ऑर्गन है। अब देखो क्या, जैसे कि नेशनल हाईवेज में रोड्स ये होटल्स वाला एक लॉ निकाला था, वो भी जुडिशियरी ने निकाला था। अब वो जब लॉ उन्होंने निकाला तो वो भी कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि लेजिस्लेचर का एस्पेक्ट होना चाहिए था, लेकिन वहां पर जुडिशियल ओवररीच की बात हमने की है ना। तो इस तरीके से कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पर जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलता है। अभी हमने हाल फिलहाल में 6 दिन पहले डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए भी आंध्र प्रदेश की जुडिशरी ने बोला है, याद है अगर आपको, तो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए जब बोला गया वो भी एक तरीके से जुडिशियल ओवररीच है, और वो भी वहाँ पे भी आप क्या इस तरीके से जो वही वाली बात है कि जुडिशियल ओवररीच को बताना, इसको कंपेयर करना था कि बहुत सारे लोगों का जो भरोसा है वो जुडिशरी में ज़्यादा है इसलिए लोग PIL फाइल करते हैं, ऐसे केस में जुडिशरी को क्या स्टेप लेने चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते थे। अगला सवाल है, द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शन फंक्शनरीज एंड फंड्स टू द कंटेम्प्रेरी स्टेज ऑफ फंक्शनैलिटी, हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनैलिटी इन द रिसेंट टाइम्स। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पहले फंक्शंस फंक्शनरीज और फंड्स पे था, अब वो फंक्शनैलिटी पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी फंक्शनैलिटी में भी क्या क्या चैलेंजेस है। इसमें आप फंड्स वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे उनके पास ऑटोनॉमी कम है, ऑटोनॉमी यानी टैक्सेशन की पावर नहीं है, ये सारी चीजें वही है, ये हर बार क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन है, जो आपका लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, ऑटोनॉमी में लेकर के क्या चैलेंजेस हैं, और वो सारी चीजें आप मेंशन करिए इस आंसर। इट वॉज अ टफ क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन क्वेश्चन में आप बोलेंगे। अगला सवाल है आपका राज्यसभा के ऊपर, कि राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स।
हाईलाइट द फैक्टर्स एज वेल एज एरियाज इन विच ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी विजिबल। तो अब आपको बताने कि राज्यसभा जो था पहले एक स्टेपनी, यूजलेस स्टेपनी टायर के जैसे था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ तो पहले आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जहाँ पर राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है, जैसे कि आर्टिकल 312, कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन करना है, या कोई इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, कोई टैक्सेस का, कोई अगर हाँ जैसे अगर यूनियन गवर्नमेंट को किसी स्टेट लॉ पे सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करना है तो उसके लिए भी राज्यसभा पे ही वो पहली चीज जाती है, ठीक है ना। और राज्यसभा में काफी बिल्स ऐसे भी रहे हैं जो कि पास नहीं हो पाए हैं, जो ऑर्डिनरी बिल्स के केस में राज्यसभा की पावर जो है वो इक्वल टू द लोकसभा रहती है। तो काफी अच्छा वहां पे किस तरीके से डिले करता है लेजिस्लेशन में, किस तरीके से उसको एक नई थॉट प्रोसेस प्रोवाइड करता है। और दूसरा, एक और दूसरी चीज अभी मनी बिल्स के केस में हमने देखा है कि राज्यसभा के पास जो मनी बिल की पावर नहीं है वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो आप वो सभी मेंशन कर सकते हो कि वो प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट करती कि मनी बिल के केस में राज्यसभा कुछ भी नहीं स्टेप्स कर सकती। अगला सवाल है, विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन? डू यू थिंक इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वुड इंश्योर ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया? आपको क्या लगता है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो जाएगी, मतलब कि अगर कोई बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाए, तो क्या उससे ज़्यादा अच्छा जेंडर जस्टिस या एम्पावरमेंट हो सकता है? तो आपको क्या लगता है, आप उसको उसके रीजन्स देने, तो आप चाहें तो दोनों रीजन्स दे सकते हैं कि क्यों आपको नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कमीशंस रहते हैं वो रिकमेंडेटरी नेचर की रहती हैं। तो अगर रिकमेंडेटरी नेचर की आप बना रहे हो तो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो चाहे स्टैट्यूटरी बॉडी हो, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर अगर आप उसको ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हो या उसके रिकमेंडेशंस को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो तो उस इंस्टीट्यूशन का कोई खास महत्व तो नहीं रह जाता है। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन जिसके बाइंडिंग नेचर के रिकमेंडेशंस रहे या इस तब वो कुछ इंपैक्ट डाल सकती है, तो ये सारी चीज आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अगला है, द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट पता है और उसके बारे में आपने पढ़ा है तब तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं लिख पाएंगे। देखो इसमें लिखा है, द इंसिडेंस and the intensity of poverty are more important in determining poverty, यानी कि incidence and intensity of poverty they are more important in determining poverty based on income alone। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको, ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, टफ क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट याद करने हैं, तो दिस यू विल से कि ये एक टफ क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे देखें, माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम्ड एट एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया, इवेल्युएट द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो ये भी क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन एम्पावरिंग वुमेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप अमूल का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पर आप बनारस के पास एक जगह है भदोही नाम की, जहाँ पर कि कारपेट्स बनते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भी है ये वाला कि भदोही नाम की जगह जहाँ पे वुमेन ने एक कारपेट बनाया जो वो एक्सपोर्ट होती है, वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट होती है। ऐसे कितने नए कितने ग्रुप्स हैं। और माइक्रो फाइनेंस, आपको पता होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, जो डायरेक्ट लोन पीपल को नहीं देता है लेकिन क्या करता है कि वो लोन किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को देता है, फिर वो दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो आगे लोन को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज थी। अगला सवाल है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अ कंफर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। It intends to restructure and reorient the education system in India. Critically examine the statement. तो ऑब्वियस ही बात है, जो पैट इस बार का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने बहुत अच्छे से इसमें डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको लिखना था। और अगर आपको SDG 4 पता है तो आप और इजिली इसको, मतलब SDG 4 को थोड़ा सा बता देते और उसके बाद आप क्या करते कि जो आपका ये आपका रोल ऑफ एजुकेशन को किस चेंज करने के लिए क्या क्या किया, जैसे उसमें 10+2 जो फॉर्मेट है उसको चेंज करने की बात की है, एक पूरा का पूरा रिसर्च के लिए एक अलग से वो कराया है, देन वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कर दिया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का काम किया जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि दोनों स्ट्रीम दे दी जाएंगे बच्चों को, कि वो पढ़ना चाहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए करना चाहते हैं। SDG 4 ऑलरेडी क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, SDG 4 तो आप सबको पता है कि ये बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही है, ठीक है ना, उसको तो आप याद ही रखिएगा, उसको मेंशन कर दीजिएगा।
ठीक है ना, और इंक्लूड और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन के लिए है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, SDG 4 अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इसलिए आप वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ इसको जोड़ भी सकते हैं ज़्यादा इजीली। देन क्वाड के बारे में क्वेश्चन आ गया कि क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स। ऑब्वियसली बात है क्वाड के बारे में हमने कितना ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से वहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो क्वाड ग्रुप कर रहे हैं एंटी चाइना, फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रेड भी वो बढ़ा रहे हैं, अलग अलग एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस of Indo-US defense deal over the Indo-Russian defense deal। अब यहां पर आप Indo-US की defense deal को करो जिसमें Lemua कर देते, Beka कर देते, Comcasa कर देते, Sismoa कर देते, लेकिन यहाँ पे अलग से दे दिया विद रेफरेंस टू द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में आपका एंटी चाइना के लिए भी आपके लिए यूएस की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बताना भी वही है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडो यूएस डिफेंस डील ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील। इनफैक्ट इंडो रशियन करने से तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगने के भी चांसेस हैं जो काट्सा और ये सब चीज़ें हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और चाइना को काउंटर करने के लिए, प्लस जापान जो है इंडो पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में है, ये सब क्या है कि क्वाड के भी मेंबर हैं, तो हमारे लिए यूएस के साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दिस वाज योर GS2 पेपर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द पेपर, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू।